सर अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कांग्रेस 40 और हम 400 पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले तो वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, 400 सीटों पर उनके प्रत्याशी पूरे खड़े भी हुए हैं। ये एक नारा है, मतलब 400 का मतलब है कि वो 543 सीटों में 400 में उनके पूरे प्रत्याशी हुए हैं। एक नारा है, वो नारे के सहारे अब बहुमत प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जो सरकार है वो लोकतंत्र को जो खींचने की भारतीय जनता पार्टी ने पैसे के दम पर सत्ता त्याने की कोशिश की है, हमारी सरकार जनता की अदालत में जाएगी। जनता की अदालत में ही इस बात को रखा जाएगा कि हमारे पास धन बल तो है नहीं, जिस धन बल के सहारे उन्होंने कांग्रेस के विधायक खरीदे, लेकिन हम जनता के बल से ये चुनाव जीतेंगे, जनता के आशीर्वाद। मैं स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस 40 पार करने की लड़ाई लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद से पहले 282, फिर 303, अब 404 की ओर जा रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज हिमाचल.केसरी।